नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। हमारा वही टॉपिक चल रहा था, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, जिसमें हमारे अदर टॉपिक हो चुके हैं। और उसी के आगे देखते हैं आयोडीन के बारे में कि इसकी कौन सी डेफिशिएंसी और उसमें कौन से न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से उत्पन्न विसंगति का अर्थ आहार में आयोडीन की अपर्याप्त मात्रा है। दैट मीन्स कि अगर हम अपने फूड में या जो भी आयोडीन है उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसमें सबसे मेन कारण क्या होता है कि आहार में आयोडीन की कमी होना। ये इसमें क्या है कि यह ऐसी विसंगति है कि मनुष्य के जीवन की प्रारंभिक काल से लेकर, यानी मनुष्य के जीवन की प्रारंभिक काल से और वयस्कावस्था जीवन यानी जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। अगर हमारे फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें ये कब तक हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्रारंभिक काल से लेकर के जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। और इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, इसका मेन कॉज रहता है अपर्याप्त आहार। आयोडीन की मात्रा हमें 150 माइक्रोग्राम पर डे लेनी चाहिए। तो अगर 150 माइक्रोग्राम से नीचे होता है, इससे कम होता है, तो ये अपर्याप्त आहार की श्रेणी में आएगा। दैट मीन्स हमारा आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि हाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें सबसे मेन कारण रहता है गलगंड एवं क्रेटिनता। गलगंड में क्या होता है कि गले में भारीपन सा हो जाता है, खिंचाव सा होता है और आगे की ओर भारी सा दिखता है। क्रेटिनता क्या होता है, ये बुद्धि को प्रभावित करता है, यानी मानसिक रूप से प्रभावित करता है, लाइक मंद बुद्धि। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं सिम्टम्स में क्रेटिनता के अंतर्गत, वो हमारा वृद्धि का ना होना, बोलने व सुनने की शक्तियों में कमी, तंत्रिका तथा मांसपेशियों पर हानिकारक प्रभाव और लकवा हो जाना, बोलने में असुविधा, ये सब क्रेटिनता के अंतर्गत आता है। फिर आता है कंट्रोल, नियंत्रण हम कैसे करेंगे, यानी हमारे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है किसी व्यक्ति में तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो नमक में आयोडीन का मिलाना, जैसे कि इस टाइम चल रहा है कि नमक में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होता है तो आयोडीन की डेफिशिएंसी अब कम देखने को मिलती है। पोटेशियम तथा सोडियम आयोडाइड की गोलियों का प्रयोग, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो इससे युक्त आहार भी लेते हैं, पोटेशियम व सोडियम आयोडाइड की गोलियाँ भी लेते हैं, आयोडीनकृत तेल का भी प्रयोग होता है, तो ये हमारे आयोडीन की डिफिशियंसी को पूरा करता है। अब बात आती है राइबोफ्लेविनता। राइबोफ्लेविनता क्या है, विटामिन बी टू जो है वो राइबोफ्लेविन होता है। अब इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या कॉजेज हैं और उसके क्या कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट होता है, तो वो देख लेते हैं। विटामिन बी टू यह एक पोषणात्मक कमी है, राइबोफ्लेविन के कम अंतर्ग्रहण के कारण होता है, यानी अपने फूड में हम राइबोफ्लेविन कम मात्रा में लेते हैं या ना के बराबर लेते हैं तो उससे हमें B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कोणीय मुखपाक क्या होता है, एंगुलर, यानी ये जितना भी राइबोफ्लेविन की हीनता होती है मुख से रिलेटेड होती है, जैसे ऊपर व नीचे होठों के कोण का फटना, यानी जो किनारे किनारे हैं वो फट जाते हैं, वो कोणीय मुखपाक हो जाता है, यानी एंगुलर स्टोमेटाइटिस ये हो जाता है। फिर दूसरा आता है जिह्वा शोथ को बोलते हैं ग्लोफिटिस क्या होता है, जीभ फट जाती है इसमें। दैट मीन्स पहला होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, इसमें क्या होता है होठ की जो है किनारे किनारे जो कोण होते हैं इसमें फट जाते हैं, और ग्लोफिटिस क्या होता है, जीभ का फट जाना, वो लाल जैसे हो जाती है और जीभ का फट जाता है। फिर लास्ट आती है राइबोफ्लेविन की किलोसिस, होठ का फटना, भूख न लगना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं राइबोफ्लेविन के। अब इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों ऐसा होता है, राइबोफ्लेविन की कमी क्यों हो जाती है, मेन कारण है इसका अपर्याप्त आहार। ये अपर्याप्त आहार हम लेंगे तो राइबोफ्लेविन की कमी हो जाएगी, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, दूध होते हैं, दूध मेन स्रोत है राइबोफ्लेविन का, कैल्शियम एंड राइबोफ्लेविन, मांस राइबोफ्लेविन के अच्छे स्रोत हैं। तो वो क्या है कि हमें अपने आहार में, फूड में या डाइट में हमें इन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध हो गए, मांस हो गए, तो ये अच्छे सोर्सेज हैं
राइबोफ्लेविन के। अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? विटामिन बी टू युक्त आहार का सेवन उचित मात्रा में लेना। अब बात आती है पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या है? यह आहार में नियासिन जो विटामिन बी समूह में से एक है, इसकी कमी से होने वाले पोषण संबंधी विज्ञापन। मतलब ये कहने का मतलब है जैसे बी टू है, बी सिक्स है, बी फाइव है, इन सबकी डेफिशिएंसी होने पे रोग होते हैं। जैसे बी टू के कमी से राइबोफ्लेविन हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी बी समूह का है जिसमें पेलेग्रा रोग है, और ये भी आहार की अपर्याप्त मात्रा से होता है। यानी अपने इसीलिए ये होता है कि हमें फूड में सारी विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए, और यही प्रॉपर अमाउंट में ना लेने के कारण ही ये सारी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। तो पेलेग्रा के सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे जानेंगे ये पेलेग्रा रोग है? त्वचा में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, त्वचा में इसमें क्या होता है, विशिष्ट चेंजेस आती है। दूसरा आता है मानसिक परिवर्तन, मेंटली रूप से चेंज आती है, अतिसार हो जाता है। कॉजेज क्या होते हैं, क्यों होता है ऐसा? पेलेग्रा उन देशों में एक आम रोग है जहाँ मक्का प्रमुख खाद्यान्न है। दैट मीन्स कि हमें जो फूड लेते हैं, जो भी अनाज लेते हैं, मिक्स करके लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो अमीनो एसिड हैं उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। सारे अमीनो एसिड हमें मिलने चाहिए, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों होते हैं। जैसे इसेंशियल हमारे 10 अमीनो एसिड हैं, वो पूरे पूरे होने चाहिए, और ये सारे अमीनो एसिड जो है हमें एक फूड में नहीं मिलता है, हमें अदर अदर फूड में वैसे तो सारे होते हैं लेकिन किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो हमें सारे अमीनो एसिड को बैलेंस में रखने के लिए हमें एक पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे किसी देश में ज्वार ज़्यादा खाया जाता है या मक्का ज़्यादा खाया जाता है, तो हमें इस पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है, लाइक चावल, दाल और गेहूँ, ये सारी चीज़ें लेना है। तो पेलेग्रा उन देशों में एक आम रोग है जहाँ मक्का प्रमुख खाद्यान्न है। शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अमीनो एसिड में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब यह संतुलन प्रभावित होता है और अन्य अमीनो एसिड की तुलना में एक एसिड अधिक हो जाता है, यानी हमने मक्का खाया और डेली बेस पे हम मक्का ही खा रहे हैं, अदर कोई हम प्रॉपर अमाउंट में कोई फूड नहीं ले रहे हैं, गेहूँ वगैरह नहीं, मक्का ही मक्का खा रहे हैं, तो हमारा एक अमीनो एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, इसमें हमारी पेलेग्रा डिफिशियंसी हो जाएगी, पेलेग्रा रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक अमीनो एसिड अधिक हो जाता है तब इस स्थिति को असंतुलन माना जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है पेलेग्रा का? निकोटिनामाइड नियासिन, यानी निकोटिनामाइड नामक औषधि इस उपचार का विकल्प है। यानी हमें निकोटिनामाइड उपचार के लिए लेना चाहिए, ये एक औषधि है। 300 मिलीग्राम की खुराक दी जाती है, इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां भी दी जाती है, इसका मेन ट्रीटमेंट हो जाता है। अब इसे रोकथाम कैसे करेंगे? इसे मिश्रित अनाजों का उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना, यानी गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसे रोकने के लिए ये तरीके अपनाती है। मिश्रित अनाज हैं जिसमें बेसन है, उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूध में बहुत अधिक मात्रा में ट्रिप्टोफैन होता है जो शरीर में नियासिन में परिवर्तित किया जाता है। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसे हम थायमिन बोलते हैं। थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे फूड में विटामिन B1 की कमी हो तो हमें बेरी रोग हो जाता है, थायमिन की कमी से बेरी होता है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? पैरों में सुइयाँ चुभने में सुन्न होने की शिकायत, यानी पैरों में ऐसा लगता है कि कोई सुइयाँ चुभा रहा हो। तीव्र हृदय की धड़कन होती है, छाती में दर्द होती है, टांगों की मांसपेशियों में दर्द होती है, एंड कमजोरी महसूस होती है पैरों में। ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए, अब कॉजेज क्या आते हैं, क्या कारण है बेरी होने का? अपर्याप्त थायमिन, हम अपने फूड में अपर्याप्त मात्रा में थायमिन लेते हैं, B1 लेते हैं, तो हमें बेरी रोग हो जाता है। पॉलिश के चावल को खाने के कारण क्या होता है कि जो चावल होते हैं उसमें जब चावल को अधिक पॉलिश किया जाता है तो उसमें का जो ऊपरी परत है वो थायमिन होता है, और वो जब नष्ट हो जाता है तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें ऐसे चावल नहीं खाने हैं जो पॉलिश किए हुए हों। ट्रीटमेंट इसका क्या आ जाता है?
तो शुष्क और गीली बेरी बेरी होने की मतलब दो तरह की बेरी बेरी होती हैं, शुष्क और गीली। ये बेरी बेरी होने की स्थिति में कम से कम 3 दिन तक मांसपेशियों में टीके द्वारा थायमिन दिया जाता है। क्या होता है, टीके द्वारा हम थायमिन का को अपने बॉडी में इंक्लूड करते हैं। विश्राम रेस्ट की ज़रूरत होती है। दूसरे मतलब पहले क्या होता है, 3 दिन तक मांसपेशियों में टीके द्वारा थायमिन दिया जाता है, फिर क्या होता है, रेस्ट करना होता है और 3 दिन में और दिन में 3 बार थायमिन की गोलियां देना होता है। रोकथाम क्या होती है, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, ज़्यादा पॉलिश के चावल का सेवन ना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अन्य थायमिन वाले आहारों के उपभोग बढ़ाकर पेरी पेरी की रोकथाम की जा सकती है। अब बात आती है स्कर्वी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और स्कर्वी पोषण संबंधी विसंगति है। ये भी फूड से ही रिलेटेड है। फूड की कमी होगी यानी हमें फूड में विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी होगा, जिसका मेन कारण है अपर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का अधिग्रहण। ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन सी की गोलियां तथा शिशुओं में गंभीर स्थिति होने पर विटामिन सी का की टीके लगवाना अनिवार्य है। रोकथाम क्या होगी, इसकी विटामिन सी युक्त आहार का सेवन। अब बात करते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है, ये भी एक प्रकार की डेफिशिएंसी है हड्डियों और दांतों में, इस तरह की डिफिशियंसी हो जाती है। फ्लोरोसिस रोग होने का कारण है काफ़ी लंबे समय तक खनिज फ्लोरीन का अतिरिक्त मात्रा में उपभोग। जब हम मिनरल्स को ज़्यादा अमाउंट में अधिग्रहण करते हैं, जो फ्लोरीन है इसका अतिरिक्त मात्रा में उपभोग करते हैं, तो हड्डियों और दांतों के सामान्य विकास और रखरखाव के लिए फ्लोरीन अनिवार्य होता है। लेकिन जब इसकी ज़्यादा अमाउंट लेते हैं या कम होता है तो हमारी सारी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तथापि आवश्यकता से अधिक मात्रा में इसका उपभोग फ्लोरोसिस का कारण बनता है। यानी ये फ्लोरीन है हमारी मतलब इसकी अतिरिक्त मात्रा में उपभोग हड्डियों और दांतों के सामान्य विकास और रखरखाव के लिए फ्लोरीन अनिवार्य है। लेकिन जब इसकी अत्यधिक मात्रा हो जाती है यानी एक लिमिटेशन होती है उससे ज़्यादा हो जाती है तो फ्लोरोसिस का कारण बनता है। मेन कॉजेज क्या होती हैं, भारत में पीने वाला पानी फ्लोराइड का प्रमुख सोर्स है। 1 लीटर पीने वाले पानी में 1 मिलीग्राम फ्लोराइड होना चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां फ्लोराइड आम बीमारी है, यहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा प्रति लीटर पानी में 3 से 12 मिलीग्राम तक होती है। इन क्षेत्रों में लोग पीने के पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहते हैं। सामान्यतः बहती हुई नदी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती हम सामान्यतः जल बहुत ज़्यादा पीते हैं और इसी रूप में फ्लोराइड की अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जाती है। तथापि हमारे आहार में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, हमें अपने दैनिक आहार में प्रतिदिन 0.25 माइक्रोग्राम फ्लोराइड ही ले पाते हैं। केवल मछली, चाय और पानी जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो भी फूड हैं, उसमें जो है फ्लोरीन जो है प्रॉपर अमाउंट में होती है। सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स देखिए तो क्या है, तो 2 मेनली होते हैं, एक तो दंत फ्लोरोसिस और दूसरा होता है कंकाली फ्लोरोसिस। दंत फ्लोरोसिस के जब होता है यानी दांतों में होता है, दांतों में थोड़े से पीलेपन आ जाएंगे धीरे धीरे। इसके भी 3 स्टेज अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है वो गर्भारण होती है, ठीक है, उसमें भी जो है धीरे धीरे छेन जैसे हो जाते हैं और दांतों का सड़ना ये हो जाता है। कंकाली फ्लोरोसिस जो होती है वो हड्डियों में होती है। ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पाई जाने वाली फ्लोरोसिस के एक नए रूप को जैन वलगम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये देखें तो नेट में ये पूछा जा सकता है कि जैन वलगम है क्या। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाने वाली फ्लोरोसिस के एक नए रूप को जैन वलगम कहते हैं। इसकी रोकथाम क्या होगी, यानी हमारा जो ये फ्लोरोसिस है इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, प्रति व्यक्ति में 1 मिलीग्राम से कम फ्लोराइड हो, ठीक है। फ्लोराइड होने से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए कि पीने वाले पानी की फ्लोराइड सुरक्षित स्तर तक ही हो। जहाँ ऐसा संभव ना हो वहाँ पानी का डिफ्लोराइडेशन यानी कि फ्लोरीन की अतिरिक्त मात्रा को निकालना, कि पानी में फ्लोरीन की अतिरिक्त मात्रा हो जाती है तो उससे जो भी प्रॉब्लम आती है दंत फ्लोरोसिस एंड कंकाली फ्लोरोसिस,
तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि पानी में अतिरिक्त मात्रा में फ्लोरीन है तो क्या करेंगे, इस क्रिया को हम घरेलू स्तर पर भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके या इसका तरीका भी आसान है। पहले पीने वाले पानी में थोड़ा सा चूना डालेंगे, फिर उसमें फिटकरी डालेंगे, देन पानी को 10 मिनट तक हिलाएंगे, फिर इस पानी को निथार कर साफ बर्तन में पीने के लिए संग्रहित करके रखा जाता है। इस पानी में फ्लोरीन सुरक्षित मात्रा में होगा। बड़े पैमाने पर कीमती आधुनिक यंत्रों द्वारा डीफ्लोराइडेशन करना संभव नहीं है। घरेलू स्तर पर डीफ्लोरीकरण यानी डीफ्लोराइडेशन के लिए लोगों को पूरी तरह भावपूर्ण ढंग से प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। तो हमारा ये फ्लोरोसिस खत्म होता है। फिर हमारा आता है लेथाइरस सटाइवस, इसमें देख लेते क्या है। उस नर्वस या नर्वस सिस्टम का रोग है यानी जो लेथाइरस सटाइवस है, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसका मेन कारण है काफ़ी लंबे समय तक केसरी दाल का उपभोग। ये केसरी दाल ऐसी दाल होती है जिससे क्या होता है, इसे घुटनों में या इस तरह से पैरों में हड्डियों को प्रभावित करती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी लंबे समय तक केसरी दाल का उपभोग ये मेन कारण है। कुछ ऐसे ज़िले जहाँ केसरी दाल काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है, इसमें ये एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है। कॉजेज अमीन कारण क्या है, केसरी दाल जो होती है उसे लेथाइरस सटाइवस मर्करी में एक प्रकार का विष होता है जिसे क्या बोलते हैं, BOAA बी एन ऑक्जेली अल्फा बीटा डी अमीनो प्रोपियोनिक एसिड है ये, ठीक है, जो स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है। इस विष के प्रभाव से नर्वस सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह रोग भूमिहीन कृषकों व श्रमिकों में प्रायः देखने को मिलता है। इसका मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, नो स्टिक, वन स्टिक, टू स्टिक एंड ट्रावलिंग स्टेज होती है। तो नो स्टिक में क्या होता है, पहले तो इस ये क्या होता है, खेतिहार मजदूर लोग इसका उपयोग करते थे, क्या है, जमींदार लोग होते थे वो इनसे काम कराते थे और इसके बदले इन्हें ये केसरी दाल देते थे। तो उससे क्या होता था, ये सबसे ज़्यादा क्यों प्रभावित होते थे, क्योंकि ये उनके यहाँ काम करते थे तो पहले तो वो इसका उपभोग करते हैं, और पहले वो उनको जब प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले घुटनों को प्रभावित करते हैं, नर्वस सिस्टम में अटैक होता है। तो ये क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो पहले तो वो बिना छड़ी के सहारे चलते हैं, वो नो स्टिक हो जाएगा, दूसरा आता है वन स्टिक, फिर एक, उसी के बाद जब धीरे धीरे गंभीर स्थिति आने लगती है तो वन स्टिक हो जाती है, यानी जो इस जिस व्यक्ति को प्रभावित करता है वो एक छड़ी के सहारे चलने लगता है। देन हमारा टू स्टिक हो जाता है, तो उसमें दो छड़ियों के सहारे चलता है, और लास्ट टाइम ऐसी गंभीर स्थिति आ जाती है कि क्रॉवलिंग स्टेज आती है, ये सब फोर्थ स्टेज है, जिसमें क्या आता है, घुटने के सहारे चलते हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो सबसे पहले बस यही हो सकता है इसके लिए कि हाँ, केसरी दाल में विष निकाल कर हमसे दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। ये कैसे करेंगे, या घर पर ही दाल में से विष अवमंचन या स्टीपिंग विधि से निकाला जा सकता है। इस विधि में पहले एक बर्तन में पानी उबाला जाता है, फिर उस बर्तन को आग से उतारकर उबले पानी में 1 घंटे के लिए दाल को भिगोया जाता है। 1 घंटे पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है और दाल को धूप में सुखाते हैं। इस तरह दाल का 90-95% विष पानी में घुल जाता है या निथर जाता है। लोगों को इस विधि के बारे में अच्छी तरह जानकारी देकर उन्हें इस विधि का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये हमारा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।